सहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण ठीक। तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो होते क्या है, तो ऐसे यौगिक जिनके बीच सहसंयोजी बंध पाया जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजी यौगिक, है ना। अच्छा, सहसंयोजी यौगिक की एक विशेषता और होती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर तत्व का नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, साझे में रहता, कंफर्म हो जाता है। सहसंयोजी यौगिकों के बीच जो बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध, उसके द्वारा जो यौगिक बनेगा वो यौगिक किसी उस यौगिक के निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक तत्व का हो जाएगा कि वो साझे में रह जाएगा, साझे में रह जाता, किसी एक तत्व का नहीं होता, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर साझे के द्वारा निर्मित है उसको हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजी, और अगर किसी एक तत्व के द्वारा किसी एक तत्व को दिया जाता तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजी, ठीक है ना। अच्छा, ध्रुवीय सहसंयोजी और अध्रुवीय सहसंयोजी पीछे पड़ चुके हैं। तो जब धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण मतलब साझेदारी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय। ध्रुव का मतलब होता है दो पोल, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, उसको हम बोलेंगे ध्रुवीय। और अध्रुवीय का मतलब क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, माइनस वाले होंगे। अच्छा, ध्रुवीय वाले में क्या होता है कि उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में जो है बहुत कम अंतर पाया जाता है, और जो अध्रुवीय होता है उसमें विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य होती है। क्यों, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं अगर O2 का मतलब क्या, ऑक्सीजन के बाद दो बार ऑक्सीजन, अगर दो बार, अब ऑक्सीजन चाहे 20 बार आप लिखिए तो सबका विद्युत ऋणात्मकता एक ही होगा, कोई अंतर आएगा, एक ही होगा। तो वहां पे विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर मान लेते हैं H2O है तो हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है, तो ऐसा तो है नहीं कि 100% जो है इनका विद्युत ऋणात्मकता सेम होगा, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। अब वो अलग मामला कि बहुत ही कम अंतर पाया जाता हो जिसको काउंट नहीं किया जा सके, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसमें हेडिंग डालिएगा नंबर एक, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि भौतिक अवस्था जो है जिसको हम नॉर्मल तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, देख के बता सकते हो क्या कहलाएगा उसका, भौतिक अवस्था। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, सीबीआई, ठीक है ना। तो भौतिक अवस्था जो होती है इसकी तीनों प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। तो इसमें जो है सहसंयोजी यौगिकों के जो सामान्य लक्षण है उसको याद करने के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, सीबीआई। सीबीआई का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहां पे आप लोग जो है आईआर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहां पे सी का मतलब हो जाएगा क्लोरीन, सी का मतलब क्लोरीन, और बी का हो जाएगा ब्रोमीन, आई का मतलब हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन। तो ये जो है ये गैस अवस्था होती है, ये द्रव होती है, जी आप ब्रोमीन, ब्रोमीन है, और ये हो गई ठोस अवस्था, ठीक है ना। तो याद रहेगा, तो यहां पे सहसंयोजी यौगिकों के जो सामान्य लक्षण है उसमें पहला लक्षण क्या होता है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब वो जो है नॉर्मली, जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये किस कंडीशन में बात कर रहा है, एनटीपी पर। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य तापदाब पर, ठीक है ना। तो सामान्य तापदाब पर जो सहसंयोजी यौगिक तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस।
जिसमें क्लोरीन और नाइट्रोजन जैसे, ठीक ना, याद रखिएगा सीबीआई, यहां पे क्लोरीन सीएल, क्लोरीन का क्या हो जाएगा सीएल, ये ट्रिक है, ये कार्बन में समझना है, ब्रोमीन का बी आर, आयोडीन का आई टू, ठीक। तो ये जो है द्रव गैस और ठोस अवस्थाएं हैं, नाइट्रोजन भी क्या आ जाएगा गैस अवस्था में आ जाएगा, बस समझे। अच्छा तो यहां पे जो तत्व होते हैं हम कह सकते हैं कि ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो लिखिएगा सहसंयोजी आबंधों के माध्यम से निर्मित सहसंयोजी आबंधों के माध्यम से निर्मित सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक एनटीपी पर एनटीपी ब्रैकेट में सामान्य ताप दाब, लिखिएगा ना, एनटीपी पर ठोस द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस द्रव तथा गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन तथा नाइट्रोजन गैस, ब्रोमीन द्रव और आयोडीन ठोस अवस्था में, आयोडीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। क्लोरीन तथा नाइट्रोजन गैस अवस्था, ब्रोमीन द्रव अवस्था और आयोडीन ठोस अवस्था, अगला ही चलेगा गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, हिंदी वाले नाम से नहीं समझ आता है, अंग्रेजी वाला जरूर याद रखिएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है, मेल्ट माने क्या होता है पिघलना, मेल्ट माने पिघलना, और बॉइल माने क्या होता है उबलना, है ना, तो बस करना कुछ नहीं है। अच्छा आप लोग जो है एक चीज देखे होंगे कि छिपकली जो है वो दीवार पर चलती है, है ना, तो एक बल का नाम आप लोग सुने होंगे वांडर वाल बल, नहीं सुने, हाँ नहीं सुने हैं कभी, वांडर वाल बल जो होता है
ये बहुत ही हल्का बल होता है, कमजोर होता है। छिपकली और दीवार के बीच जो वहां पर वांडरवाल बल ही काम करता है। वांडरवाल बल इसको नाम कहे दिया गया, वैज्ञानिक का नाम है था वांडरवाल बल। इस बल का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? वांडरवाल। इसलिए उस बल को किस नाम से जाना जाता है? वांडरवाल बल के नाम से, ठीक है। तो ये बल जो होता है कमजोर होता है और यौगिकों के बीच जो है ये काम करता है। अब एक चीज ये बताइए कि जहां पर वांडरवाल बल होगा वो हल्का होता है, तो अगर जो है वांडरवाल बल हल्का है तो ये बहुत तेजी से आकर्षित करेगा दो तत्वों को, कि मतलब हल्का आकर्षित करेगा। जब हल्का आकर्षित करेगा, जैसे मान लेते हैं कि दो परमाणु है कोई ए और बी, ठीक ना। अब यहां पे इनके बीच वांडरवाल काम कर रहा है, कौन सा? वांडरवाल बल, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए जैसे आप कोई चीज फोड़ना चाहते हैं, जितना मजबूत होगा उतने ज्यादा आपको दम लगाना पड़ेगा, जितने कम मजबूत होगा उतने कम दम लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही जो है जब दो तत्वों के बीच वांडरवाल बल काम करेगा, ये बहुत मजबूत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आसानी से जो है बल का जो मान वो घटेगा, कि जब बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तब घटेगा, आसानी से घटेगा, कम ऊर्जा लगा के तब वो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनके बीच वांडरवाल बल कार्य करता है, और वांडरवाल बल जो है अगर कार्य करता है तो इसको अगर मान लीजिए हम तोड़ना चाहते हैं तो कम ऊर्जा लगाना पड़ेगा, ज्यादा कम ऊर्जा, अगर यहाँ पे कम ऊर्जा लगाना पड़ेगा तो इस केस के आधार पर कहा जा सकता है कि आयनिक यौगिक के अगर बल ही कमजोर है तो उसको हम गर्म करेंगे तो जल्दी पिघलेगा कि लेट, जल्दी पिघलेगा, क्योंकि इसके बीच का जो बांड होता है वो कमजोर होता है, और जल्दी पिघलेगा तो उबलेगा का लेट नहीं, उबलेगा भी जल्दी, ठीक बस नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा मतलब कम तापमान पे घटित होगा कि ज्यादा तापमान पे, कम तापमान पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखिएगा, हाँ इतना याद रखिएगा कि छिपकली और दीवार के बीच वांडरवाल काम कार्य करता है, ठीक। लिखिएगा, सहसंयोजी यौगिकों के मध्य इनके अणुओं द्वारा वांडरवाल बल लगाया जाता है, वांडरवाल बल लगाया जाता है, और यह बल तुलनात्मक रूप से एक कमजोर बल होता है। यह बल तुलनात्मक रूप से एक कमजोर बल होता है, अतः लगने वाला आकर्षण बल अधिक होगा कम, अतः लगने वाला आकर्षण बल भी कम होता है। जिस कारण
इन धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं धातु लिखे ना इन यौगिकों लिखेगा इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि बंधों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा लगानी पड़ती है। कम ऊर्जा लगानी पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो इसको बना लीजिए। क्रिस्टली संरचना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पे, इतना तो हमको पता चल गया है कि जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है उसका मान कम होता है, ज्यादा तो कम होता है। अगर आकर्षण बल कम होता सीधी सी बात जो बांध है वो कमजोर है, प्रबल है कमजोर है। तो यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बीच सहसंयोजी बंध तो है, सहसंयोजी बंध है लेकिन ये प्रबल है। क्या है? प्रबल है, कमजोर नहीं है। और ऐसे में इनकी जो कठोरता है वो हो जाती है बहुत अधिक। कठोरता क्या हो जाती है? बहुत ही अधिक। जैसे हीरा, हीरा क्या माना जाता है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कुछ जो है इस जो सहसंयोजी यौगिक है उनका तो जो गलनांक और क्वथनांक होता है कम होता है, तो सीधी सी बात है कि वे जो है कमजोर बलों के द्वारा बंधे होते हैं। लेकिन कुछ सहसंयोजी यौगिक ऐसे होते हैं जो आपस में प्रबल बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, और ऐसे में जो है जब वो प्रबल बंधों के द्वारा बंधे होते हैं तो उनकी कठोरता क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है, जैसे हीरा। वही आप ग्रेफाइट को ले लीजिए, ये उल्टा हो जाता है इसका। ठीक ना, ग्रेफाइट क्या है? ये जो है कमजोर बंधों के द्वारा बंधा है और ये क्या होता है तो थोड़ा सा नरम होता है। ठीक ना, तो इसकी कठोरता क्या हो जाती है? घट जाती है। और सुनिए, तो ये कठोर नहीं होता है, नरम होता अर्थात कठोर नहीं होता है। बस सुनिए, तो कोई कोई जो होता है इसमें कठोर होता है, ज्यादातर जो है कठोर नहीं होते हैं। ज्यादातर आपको जो है ये मृदु मतलब नरम या वाष्पशील मिलेंगे। ज्यादातर कैसे मिलेंगे? मृदु या वाष्पशील मतलब नरम मिलेंगे या तो वाष्पशील मिलेंगे। बस नहीं, तो इसमें हम क्या दिखाएंगे कि सहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण में अगर देखा जाए तो इनमें कुछ यौगिक प्रबल सहसंयोजी बंधों के द्वारा बंधे होते हैं, वही क्या होते हैं? अत्यधिक कठोर होते हैं। बाकी अधिकांशतः यौगिक क्या होते हैं कि वे दुर्बल बंधों के द्वारा बंधे होने के कारण मृदु अथवा वाष्पशील होते हैं। ठीक है ना, बस सुने तो लिखिएगा। सहसंयोजी यौगिकों में, सहसंयोजी यौगिकों में कुछ यौगिक दुर्बल के बजाय
प्रबल सहसंयोजी बंधों के द्वारा दुर्बल के बजाय प्रबल सहसंयोजी बंधों के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। जिससे कि उनकी कठोरता बहुत अधिक हो जाती है, जिससे कि उनकी कठोरता बहुत अधिक हो जाती है। जबकि अधिकांश आयनिक, अधिकांश सहसंयोजी यौगिक, अधिकांश सहसंयोजी यौगिक मृदु तथा वाष्पशील अवस्था अधिकांश सहसंयोजी यौगिक मृदु तथा वाष्पशील अवस्था वाले होते हैं, क्योंकि ये दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। अगला ही डालिएगा, विद्युत चालन। विद्युत चालन विद्युत चालन का मतलब विद्युत धारा का प्रवाह। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा, वहीं पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जहां पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है ना। तो सहसंयोजी यौगिकों में जो है कुछ ऐसे यौगिक हैं जो अपवाद स्वरूप विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, बाकी सब में नहीं होता। जैसे ग्रेफाइट जो होता है, यही एक ऐसा एग्जांपल है कि जिसमें सहसंयोजी यौगिक होने के बाद भी जो है विद्युत धारा का प्रवाह पाया जाता है। बाकी आप जो है किसी भी सहसंयोजी यौगिक में देखेंगे कि आपको जनरली जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये अलग मामला है कि जब ये विलेय हो जाएंगे, मतलब इनको घोल दिया जाएगा, तब जो है ये विद्युत धारा प्रवाह करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम NH3, ये सहसंयोजी यौगिक हो गया, इसको हम पानी के साथ मिला देते हैं तो ये हो जाएगा NH3 के बाद जो है, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, H2O को HOH, अरे एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन H2 और O क्या हो जाएगा H2O। अब NH3 से जो है एक H मिल गया तो क्या हो गया NH4, ये हो गया NH4। अब NH3 जो है एक नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ सकता है, चार हाइड्रोजन जुड़ेगा तो H2 क्या आ जाएगा, प्लस की माइनस। अरे यार नाइट्रोजन को जो है तीन हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन बाह्यतम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन, पांच, तो पांच था, तीन जुड़ गया कितना हो गया आठ, लेकिन जब चार जुड़ जाएगा तब कितना हो जाएगा नौ, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो NH4 पे क्या हो जाएगा एक प्लस और OH पे एक माइनस। तो ऐसे केस में जो है जब ये स्थिति आ जाएगी तभी विद्युत धारा का प्रवाह संभव है। मतलब अगर जो है सहसंयोजी यौगिकों में जो सहसंयोजी यौगिकों को जल में मिला दिया जाए तब विद्युत धारा का प्रवाह संभव, नॉर्मल कंडीशन में संभव नहीं है, ठीक है ना। वैसे जो है अगर देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में तो केवल ग्रेफाइट है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, बाकी आप जो है देखेंगे कि बहुत से ऐसे यौगिक हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं। हीरा में संभव है, नहीं संभव है, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि जो है जितना ज्यादा से ज्यादा जो है सहसंयोजी यौगिक है उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं पाया जाता। अपवाद कौन कौन है, तो ग्रेफाइट हो गया, या फिर आप जो सहसंयोजी यौगिकों का आप जो है जल में विलय बना दीजिए तो इस केस में जो है विद्युत धारा का प्रवाह होगा। बस हो जाए, तो इसको लिख लेंगे
क्या लिखेंगे कि सहसंयोजी यौगिकों में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते या इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होते हैं। ठीक, अगर सिंपल वर्ड में लिखना चाहते हैं शॉर्टकट में तो लिखिएगा कि सहसंयोजी यौगिकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। अपवाद है कौन? ग्रेफाइट, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जबकि सहसंयोजी यौगिकों का यदि जलीय विलयन बनाया जाए तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव है क्योंकि यहां पर मुक्त आयन उपस्थित हो जाते हैं। बस सुनिए, इलेक्ट्रॉन आया ना, प्लस माइनस आया, आयन आया, तो यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह। बस सुनिए, ठीक, लिख लीजिए इसको।